एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद गिलो। आई एम डाल्वी गोयल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सदर बाजार हॉल वीडियो। तो मैंने कुछ ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, बस जितनी भी शॉपिंग है मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सदर मार्केट एक्चुअली है क्या। सो ये एक दिल्ली की बहुत ज़्यादा पॉपुलर होलसेल मार्केट है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे आपको काफ़ी तरह के जो सामान है वो होलसेल रेट पर मिलते हैं, लाइक ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग आइटम एंड किचन का जो भी सामान होता है, मीन्स मतलब ए टू जेड जितना भी सामान होता है हमारा। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है ये। सो मैंने मोस्टली ज्वेलरी एक्सप्लोर की थी एंड जो कुछ दिन पहले मैंने अपनी सदर बाजार की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को अभी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि आपको सदर बाजार जाना चाहिए या नहीं, मीन्स वहाँ से जो आप अगर आप सामान लोगे तो आपको क्या मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मीन सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है जैसा मतलब मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर अभी इस वीडियो को लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, इसमें जो सबसे पहला आइटम है वो मैं सबसे मतलब चीप जो मैंने बाय किया वहां से शुरुआत करूंगी। सो मैंने बाय किए थे क्यूट से इयररिंग्स। सो ये काइंड ऑफ सिक्स पेयर है इयररिंग्स का एंड ब्लैक कलर की इयररिंग्स थे एंड वहाँ पे इतने ज़्यादा इयररिंग्स थे, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इयररिंग्स की, मैं तो कंफ्यूज हो गई कि मतलब मैं कौन सा लूँ। तो मैंने मतलब ब्लैक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कलर है, देन मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने ये वाला ही पिक कर लिया एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे। और मैंने इनको एक भी यूज़ भी नहीं किया बिकॉज मुझे हॉल बनाना था, इसलिए मैंने इसमें से एक भी यूज़ नहीं किया। तो ये बिल्कुल अभी न्यू पैकेट है एंड इसमें आपको सिक्स पेयर रिसीव होते हैं जस्ट लाइक दिस। काफ़ी ज़्यादा सही है ये कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, मतलब डेली पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा सही है। सो ये काइंड ऑफ स्टडी इयरिंग्स है एंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही है। और ये जो पूरा जो कार्ड है वो सिर्फ मुझे 10 रुपीज़ का मिला है गाइस, 10 रुपीज़ में सिर्फ मुझे 10 रुपीज़ में मुझे सिक्स पेयर मिले। एंड आप गैस कर सकते हो कि एक कितने का पड़ेगा, मतलब आपको 2 रुपये से भी कम में एक पेयर मिल रहा है। सो ये बहुत अच्छी डील है एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगी, जैसे भी आपको चाहिए कलरफुल भी मिलेंगे एंड आपको एक ही कलर का चाहिए एक ही कलर का, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुझे रिंग्स लगे डेली यूज़ के लिए। या दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट। तो गाइस, मैं आपको बताना भूली, मैंने ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है जो मैंने अपने जो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। सो आप ये वाला जो अगर लुक देखना चाहते हो तो आप ये वाला लुक भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है एंड काइंड ऑफ बोहो मेकअप लुक है। सो आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो या बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो जो नेक्स्ट है वो मीन्स मैं पहले आपको सबसे कम वाले प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, उसके बाद जो हाई एंड रेट के वो प्रोडक्ट दिखाऊंगी। सो मैंने ये बाय की थी नेल पेंट। सो ये नेल पेंट मैंने एक्चुअली ट्राई करने के लिए बाय की थी कि ये कैसा वर्क करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी चीप है, 20 रुपीज़ की मुझे एक मिली है। एंड अगर आप बल्क में लेते हो, आप एक दर्जन लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा 120 की आपको ऐसी 12 ये जो नेल पेंट है वो मिलेंगी। एंड अगर आप एक लेते हो तो 20 रुपीज़ की मिलेंगी। सो इसमें मैंने बहुत अजीब सा ही कलर लिया है बिकॉज मुझे लेना था ये कलर। सो ओवरऑल मतलब ठीक है, इसकी जो कंसिस्टेंसी वो भी ठीक है, बट लगाने के बाद ही पता चलेगा ये कितना स्टे करती है, कितने टाइम तक रहती है। सो ये वाली जो नेल पेंट है वो मैंने बाय की थी। सो जो नेक्स्ट है वो है ये ब्यूटी ब्लेंडर। सो ब्यूटी ब्लेंडर काम आता रहता है, मेकअप करते हो तो, एंड ब्यूटी ब्लेंडर से जो फिनिश आती है मेकअप की काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। एंड अगर आपको महंगे महंगे ब्यूटी ब्लेंडर पे ब्लेंडर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, बिकॉज अगर ये वाला आप लोकल यूज़ करते हो तो इससे कुछ ज़्यादा हार्म नहीं होगा आपकी स्किन को। आपको मेकअप प्रोडक्ट कभी भी लोकल यूज़ नहीं करने चाहिए, हमेशा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी चाहिए। बट दिस इज़ काइंड ऑफ एप्लीकेटर। सो मैंने ये बाय किया एंड ये सिर्फ मुझे 20 रुपीज़ का मिला था एंड काफ़ी अच्छा है। इसका जो कलर है वो भी काफ़ी सही था, जो कलर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा मुझे एंड ऑल्सो इसकी जो शेप है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, अंडर आई काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएंगी। एंड अब इसको यूज़ करके पता चलेगा ये कैसा वर्क करता है, अदरवाइज प्राइस वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, 20 रुपीज़ का था, बट अभी मैंने एक खरीदा है। अगर मुझे अच्छा लगा तो डेफिनेटली मैं और भी ज़्यादा लेके आऊँगी वहाँ से, बिकॉज ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो तो काम आते रहते हैं मेकअप करने के लिए। तो यह नेक्स्ट प्रोडक्ट ये एंड ये भी मुझे काफ़ी सही लगा अभी। तो बढ़ते अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ। सो जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये क्यूट सी हेयर क्लिप।
तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड इनका जो प्राइस है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितना होगा। अभी आप कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुंदर ये जो हेयर क्लिप्स है वो लग रही है। एंड इसमें जो मटेरियल है वो पूरा फर वाला, और यहाँ पे बहुत क्यूट सी डॉल दे रखी है। सो ये बच्चों के लिए तो काफी ज्यादा अच्छी है। लाइक गर्ल्स मतलब छोटी छोटी जो बच्चियां होती है उन पर अगर ये यूज करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छी लगेंगी। सो मुझे बहुत सही लगी थी। सो ये जो पूरा पेयर है वो मुझे 30 रुपीज का मिला था। सो मैंने सोचा इसको बाई कर ही लेते हैं। सो अगर आप मार्केट से लेते हो, नॉर्मल मार्केट से लेते हो, तो आपको 30 का सिर्फ एक ही मिलता है। बट अगर आप मतलब सदर में, मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि 30 में पूरा ये पैकेट है वो मिल गया। सो मैंने ये वाली क्लिप्स ली। एंड वहां पे आपको इतनी ज्यादा वैरायटी मिल जाएंगी हेयर क्लिप्स की, हेयर पिंस की, मतलब आप बच्चों से लेकर आप बड़े लोगों तक की, इतनी सुंदर सुंदर वहां पे एक्सेसरीज थी, हेयर एक्सेसरीज बहुत ज्यादा अच्छी। सो मैंने ये वाला जो प्रोडक्ट है वो बाय किया। एंड सो यार ये मुझे काफी ज्यादा सही लगी। अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, काफी सही हेयर पिंस है, हेयर क्लिप्स है। सो इजीली टिक टैक है, सो लगाने में भी बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब आपको कुछ ज्यादा ऐसे करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको इस तरीके से। तो ये बहुत क्यूट सी है, मतलब ठीक है, गर्लिश है बहुत ज्यादा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है वो बाय किया था, ये ब्यूटीफुल था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, गजरा टाइप है ये। तो ये बाय किया था हेयर एक्सेसरीज एक्चुअली। सो ये मतलब ओरिजिनल तो नहीं है ऑफकोर्स। सो इस टाइप से यहाँ पे 3 रोजेस दिए हुए हैं, और बीच में ये थोड़ा सा डिटेलिंग है। एंड ये जो पूरा काफी दूर से देखने में बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है, बट ये प्लास्टिक है। सो पास से थोड़ा सा मतलब नजर आ रहा है कि हाँ ये प्लास्टिक है, बट दूर से देखने में मतलब कैमरे में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड बालों में लगा के बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगा। सो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड वहाँ पे आपको और भी ज्यादा डिजाइन मिल जाएंगी, लाइक आपको जिस भी टाइप का, मतलब आपको अगर प्रॉपर व्हाइट में चाहिए तो प्रॉपर व्हाइट में भी मिलेगा, रोज ओनली रोज का चाहिए तो रोज का भी मिल जाएगा। सो यार ये मुझे पड़ा था 50 रुपीज का। सो अकॉर्डिंग टू सदर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आई नो नॉर्मल मार्केट में 50 का नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा ऊपर ही मिलेगा, बट ठीक है, अकॉर्डिंग टू 50 काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं कोई ऐसा मेकअप लुक करूँ जैसे कोई इंडियन मेकअप लुक, जिसमें मैं इसको यूज कर पाऊँ। सो यार लेट्स सी, देखते हैं कब तक करते हैं इसको यूज। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट मैंने बाय किए थे बहुत ही क्यूट से इयररिंग्स, छोटे से। सो ये एडी के इयररिंग्स है। एंड यहाँ पे इसमें मतलब पूरे में छोटे छोटे स्टोन दिए हुए हैं। सो ये भी काफी अच्छे लगे थे, मतलब क्वालिटी इनकी काफी ज्यादा प्रीमियम थी। तो डिजाइन्स भी बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। सो मैंने इसलिए इनको बाय किया। एंड 50, सो ये मुझे सिर्फ 50 रुपीज के पड़े थे। सो अकॉर्डिंग टू 50 रुपीज, जस्ट लव इट। सो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे ये वाले, सो मैंने इनको बाय किया। नेक्स्ट, आपको वहाँ पे इयररिंग्स एंड ज्वेलरी की तो इतनी ज्यादा वैरायटी मिलेंगी, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। मतलब अगर आप ज्वेलरी लवर हो तो आपको जरूर जाना चाहिए वहाँ पे, बहुत अच्छा सामान था एक्चुअली। और नेक्स्ट मैंने बाय किया था, ये ब्यूटीफुल था, बहुत ही प्रिटी था, एक मंगलसूत्र। ये मैंने अपनी मम्मा के लिए बाय किया। सो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। एंड पूरा एडी में है ये। एंड ये एक चेन का, मतलब ये व्हाइट कलर की यहाँ पे मोती मोती की ये जो चेन दी हुई है। सो इसमें आपको शायद सिंगल डबल लेयर भी मिल जाएगी, बट मुझे ये सिंगल लेयर वाला काफी अच्छा लगा। एंड काफी सही लेंथ है, मतलब ये आपको यहाँ तक पड़ेगा अगर पहनते तो, यहाँ तक ठीक है लेंथ, ओके है। एंड बहुत ज्यादा सुंदर लगा ये जो नीचे वाली डिजाइन है, मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। बीच में आपको एक बहुत ही कलरफुल सा मतलब नग दिया हुआ है नीचे इस तरीके से। और ये भी सिर्फ मुझे 50 रुपीज में मिला था। सो अकॉर्डिंग टू 50 रुपीज तो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड आपको अदर मार्केट से जो मुश्किल ही मिलेगा 50 रुपीज का, उसके ऊपर ही मिलेगा। सो यार मुझे ये अच्छा लगा, मैंने अपनी मम्मी के लिए ले लिया। बिकॉज बाहर कहीं भी ट्रेवल वगैरह करते हैं तो गोल्ड का पहनना सिक्योर नहीं, मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं रहा कि कहीं भी गोल्ड पहन के चले जाओ। सो यार ये वाले जो मंगलसूत्र होते हैं, चेन्स होते हैं, काफी ज्यादा अच्छी होती है, इनको इजीली हम ट्रेवल में पहन सकते हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। ऑल राइट गाइस, जो मेरा सेकंड लास्ट आइटम है वो है ये ब्यूटीफुल सा नेक पीस। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं पूरे ये मतलब नग का काम, इसमें जरकन का जो नग है उसका काम है। एंड बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा, आप गाउन के ऊपर वियर कर सकते हो, साड़ी के ऊपर वियर कर सकते हो, मतलब इतना सिंपल तो नहीं बोलेंगे इसको, बिकॉज काफी ज्यादा मतलब
एकदम पतला भी नहीं है, थोड़ा सा थिक ही है, बट गाउन के ऊपर जो मतलब उस तरीके की जो गाउन होती है, पार्टी वेयर गाउन होती है, नेट की जो भी होती है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और व्हाइट है तो सबके ऊपर ही चला जाएगा, मतलब कोई सा भी कलर है तो सबके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड जो इयर रिंग्स है वो भी काफी ज्यादा अच्छे है, मतलब इसको इसके जो नेकपीस है उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छे लगे, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये। एंड इसका जो प्राइस था वो क्या मैं बोलूँ, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज था। तो अकॉर्डिंग टू 100 रुपीज ये पीस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऑल्दो मेरे घर पे कुछ था भी नहीं अभी, कुछ फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं था, बट फिर भी मैंने इसको बाय कर लिया, मैंने कहा कभी ना कभी तो काम आएगा ही। एंड बहुत अच्छा पीस है ये। अब बात करते हैं इस वाले पीस की, तो ये देखने से ही मतलब पहन के ही पता चल रहा है कितना ज्यादा खूबसूरत ही लग रहा है। सो ये काइंड ऑफ मल्टी कलर नेक पीस है, सो इसमें आपको बहुत सारे इस तरीके से कलर देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर जो डिजाइन थे वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, एंड इयर रिंग्स भी और बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे हैं। एंड ये जो नीचे इस तरीके की जो डिटेलिंग है वो इस नेक पीस को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। तो आपको वहाँ पे इतनी ज्यादा वैरायटी मिलेगी, मतलब आपको तो जैसा भी नेक पीस चाहिए, जैसा भी आपको डिजाइन पसंद है, आप वहां से इजीली ले सकते हैं। तो मुझे तो देखते ही मतलब नेक पीस इतना ज्यादा पसंद आया, मैंने इसको बाय कर लिया। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसा हुआ था कि मैंने सोचा मैं पहले देख लेती हूँ, पूरा मार्केट घूम लेती हूँ, उसके बाद लूंगी, इसीलिए मतलब जो भी सामान था जो मैं लेना चाहती थी वो भी मैं ले नहीं पाई, बिकॉज माइंड में स्किप हो गया एंड मैं वापस आ गई। वहां पे इतनी ज्यादा क्यूट, इतने ज्यादा अच्छे इयररिंग्स थे 20-20 रुपीज से, उनको मुझे बाय करना था बट मैं नहीं कर पाई, बाद में मैं भूल ही गई। तो मैं अगर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी मैं वहां से जरूर वो वाली इयररिंग्स बाय करूंगी। एंड ये जो नेक पीस है वो सिर्फ मुझे 100 रुपीज का मिला। एंड आप देख सकते हो अगर आप कितना ज्यादा सही है, 100 रुपीज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। एंड मुझे तो ये नेक पीस बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड इसकी जो एवरीथिंग है, जो क्वालिटी है काफी ज्यादा फाइन है, डिटेलिंग है, ओवरऑल काफी चीज बहुत अच्छी है। जो ऊपर की डिजाइन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है, एंड जो नीचे वाली ये जो डिटेलिंग है वो इस नेक पीस को काफी ज्यादा सुंदर बना रही है। एंड ऑल्सो ये जो इसके इयर रिंग्स है आप देख सकते हैं कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, इनके बीच में भी ये डिजाइन बनी हुई है इस तरीके की। सो ओवरऑल ये जो नेकलेस है बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो, लाइक इसको आप साड़ी के साथ कैरी कर सकते हो, एंड आप अगर कुर्ती वेयर करते हो कुर्ती के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रिटी लगेगा। एंड ये जो व्हाइट कलर का आउटफिट है उसके ऊपर तो चार चांद लगा देगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये था मेरा आज का हॉल। सो मैंने सिर्फ इतना सा ही सामान बाय किया, आई नो बहुत कम सामान बाय किया, बिकॉज मैं मोस्टली मैं पहले मार्केट को एक्सप्लोर करने गई थी, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा सुना था सदर मार्केट के बारे में। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको सदर मार्केट मतलब जाना चाहिए या नहीं। सो गाइस अगर आपको सिर्फ मतलब एक या दो सामान खरीदना है, जैसे कि हेयर क्लिप का पैकेट है, आपको इसमें से सिर्फ एक बाई करना है, मतलब आप सोचो कि आपको इसमें से 10 रुपीज का मिल जाएगा, सो ऐसा नहीं होता, आपको पूरा पैकेट लेना पड़ेगा 30 रुपीज का। मतलब आप अगर एक सामान एक प्रोडक्ट लेना चाहते हो सिर्फ एक, तो उसके लिए सदर मार्केट उसके लिए नहीं है। हाँ कुछ शॉपकीपर्स होते हैं वो दे देते हैं एक प्रोडक्ट भी, बट वो फिर उतना ही थोड़ा सा मतलब कॉस्ट ऊपर करके ही देते हैं। बट अगर आप वहाँ से बल्क में सामान लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा चीप रेट में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। लाइक वहाँ पे इतनी ज्यादा वैरायटी थी, आपको चूड़ा मिल जाएंगे, हर तरीके के कंगन मिल जाएंगे, आपको पायल्स मिल जाएंगी। मैंने अपना पूरा जो भी मतलब एक्सप्लोर किया मार्केट उसका वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या सामान वहाँ पे मिलता है। एंड अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा सामान लेना है, लाइक आपको वेडिंग के पर्पज से सामान लेना है, तो डेफिनेटली आपको एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है अदर मार्केट की कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ सच में काफी चीप रेट में मतलब सामान मिलता है। मैंने देखा है अगर आपको ज्वेलरी लेनी है, ज्वेलरी तो डेफिनेटली आपको वहां से बाय करनी चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छी अच्छी आपको नेक पीसेस वहां पर मिल जाएंगे 200-250-300 की रेंज में, बहुत ज्यादा अच्छी, जो आपको अदर मार्केट में शायद कहीं भी नहीं मिलने वाले। एंड सो ओवरऑल अगर आप बल्क में सामान लेना चाहते हो, लाइक आपको पूरा मतलब एक पैकेट लेना है, लाइक वहाँ पे क्लचर्स वगैरह के काफी अच्छे अच्छे मतलब बहुत ज्यादा 20-30-30 रुपए के आपको पूरा पूरा पैकेट मिल जाएगा, तो अगर आपको इस तरीके से सामान लेना है तो आपको डेफिनेटली सदर मार्केट चेकआउट करना चाहिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो आपके लिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइज मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।